अस्सलामुअलैकुम। आज हम मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी बनाएंगे, जिस तरह ढाबे पे मिलती है, जिस तरह हम रेस्टोरेंट में खाते हैं उस टाइप के हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी बनाने के लिए हमने एक कप ब्रोकली ले ली है। अगर आप इसके बदले फूल गोभी लेना चाहते तो आप फूल गोभी भी ले सकते हैं। तो हमने एक कप ब्रोकली ले ली है और आधा कप हमें शिमला मिर्ची लगेगी और आधा कप हमने हरे मटर लिए हैं फ्रेश वाले और आधा कप ही हमने आलू लगेंगे और हमने आधा कप गाजर ले ली है। आपके पसंद से जो भी सब्ज़ी लेना चाहें आप ले सकते हैं। अगर आपके पास बीन्स की फली है तो आप वो भी ले सकते हैं। और हमें 250 ग्राम पनीर लगेगा। देखिए, हमने ये सब सब्ज़ियों को इस तरह क्यूब्स टाइप में कट कर दिया है। देखिए, पनीर को भी हमने क्यूब्स टाइप में कट कर दिया है। इन सब सब्ज़ियों को हमने पानी डालकर, थोड़ा सा शक्कर डालकर, बस हल्का सा एक मिनट तक बॉईल किया है। इन सब सब्ज़ियों को सिर्फ सॉफ्ट, हल्का सा सॉफ्ट होने तक, ग्रेवी बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून काजू ले लिए हैं और 2 टेबलस्पून रोस्टेड चना जो आता है वो ले लिए हैं, जिस दालवा भी कहते हैं। और हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज लगेगी और 3 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर ले लिए हैं और अदरक लहसुन हमने फ्रेश लिया है, 2-3 बस अदरक के टुकड़े और 8-10 लहसुन की कलियां लगेगी। और ग्रेवी में डालने के लिए हमें दूध लगेगा। अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी ले सकते हैं। हम ग्रेवी में दूध का इस्तेमाल करेंगे तो हम दूध डालेंगे। और हमें 1.5 टेबल स्पून टमाटो केचप लगेगा। अगर आप नहीं डालना चाहते टमाटो केचप तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हमने 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची ली है, बिल्कुल 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी हमने 1 टीस्पून ली है और 1 टीस्पून हमें किचन किंग मसाला लगेगा रेडीमेड जो आता है, और धनिया की बुकनी हमने 1 टेबल स्पून उतनी लगेगी और गरम मसाला हमने 1/2 टीस्पून लिया है। नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम मसालों को भून लेंगे। चलिए, इसे हम अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे। फिर पैन में बिल्कुल 1 टेबल स्पून इतना कुकिंग ऑयल डाल देंगे। फिर उसके बाद हम ये एक हरी मिर्ची हमने इसमें ऐड की है और ये हमने टमाटो को इस तरह रफली मोटा मोटा चॉप कर दिया है और प्याज को भी मोटा मोटा चॉप कर दिया है। प्याज को थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन होने के बाद फिर टमाटर डालेंगे इसमें हम। जब तक हमारे मसाले भुने जा रहे हैं तब तक हम इसको एक अलग से जार में इसको बारीक पीस लेंगे। बारीक पाउडर कर दिया है काजू का और दालवे का। हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब इसमें हम ये जो टमाटर और एक हरी मिर्ची रखी थी ये डाल देंगे। अदरक लहसुन रखा था ये भी इसमें डाल देंगे। सभी प्याज और टमाटर को अच्छे से हल्का सा सॉफ्ट होने तक भुने बाद इसे हम पीस लेंगे। ये हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे हम जार में डाल देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे पीसेंगे और जो ये हमने काजू दालवे का पाउडर रखा था वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। और अगर हमें थोड़ा इसमें मसाला पीसने के लिए अगर हमें पानी लगेगा तो हम पानी के बदले इसमें हम दूध डालेंगे, जो हमने आधा कप रखा है ग्रेवी के लिए। तो चलिए, इसको हम थोड़ा ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। देखिए, जो हमने वो आधा कप जो दूध रखा था वो पूरा डाल दिया है और थोड़ा सा हम ऑरेंज कलर डालेंगे, फूड कलर, ताकि हमारी ग्रेवी बिल्कुल ढाबे वाली रेस्टोरेंट जैसी लगे। 1/4 टीस्पून हमने ये फूड कलर डाला है। अब इसको हम बारीक पीस लेंगे। थोड़ी और ग्रेवी को हम क्रीमी बनाने के लिए हमने घर के फ्रेश मलाई ली है। आप चाहे तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। तो हम ये इसमें मलाई डाल के इसे और बारीक कर देंगे। देखिए, हमने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून उतना कुकिंग ऑयल डाल देंगे, 1 टेबलस्पून उतना बटर डाल देंगे।
चलिए सबसे पहले हम इसमें आलू रखेंगे। साथ ही साथ इसमें गाजर भी डाल, फिर थोड़े से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे, फ्राई होने देंगे गोल्डन होने तक। उसके बाद हम इसमें ब्रोकली, फिर एक के बाद एक शिमला मिर्ची बटाने बाद में डालें। थोड़े से आलू और गाजर को टाइम लगता है गलने के लिए, तो हम इसे थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन फ्राई होने तक होने देंगे। उसके बाद दूसरी सब्जियाँ डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम फ्राई करते वक्त नमक डाल देंगे ताकि हमारे सब्जी में अच्छे से नमक जाए। तो देखिए हमारे अच्छे से थोड़े हल्के हल्के गोल्डन फ्राई हो गए हैं, तो बस अब हम इसी में ब्रोकली रखी थी ये डाल देंगे, फिर शिमला मिर्ची भी डाल देंगे। एक मिनट तक इसे फ्राई होने देंगे, फिर उसके बाद हम इसे मटर डाल देंगे। को सब एक साथ ही फ्राई कर ले रहे हैं हम। अगर आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आप बॉईल करके नहीं डाल रहे तो सब्जियों को डीप फ्राई करके भी डाल सकते हैं आप। और दो तीन मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमारी सब्जियाँ अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल के पनीर को भी थोड़ा हल्का सा फ्राई करके निकाल, बटर और एक टेबल स्पून अपना कुकिंग ऑयल डाल देंगे हम, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और फिर ये जो हमने पनीर के पीसेस करके रखे थे ये डाल देंगे। पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वरना पनीर में से जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें से निकलता है, तो बस इसको हम हल्का सा फ्राई करके बस निकाल लेंगे। बस हमें हल्का सा उसे सौते करना है बस, और फिर निकाल देना। बस अब हम पनीर को निकाल लेंगे। चलिए उसी कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ये हमने 4 से 5 टेबल स्पून उतना कुकिंग ऑयल ले लिया है। जैसे हमारा ऑयल गरम होगा, सबसे पहले हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, और ये जो धनिया की बुनी रखी थी हमने वो डाल देंगे। गरम मसाला और चिकन किंग मसाला हम बाद में डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्ची। और फिर हम सभी मसालों को भूनकर फिर जो ये ग्रेवी हमने पीस के रखी थी वो फौरी इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। इसमें हम 1 टीस्पून इतना नमक डाल देंगे, नमक आप चखकर आपके टेस्ट के हिसाब से डालें। इसे 3-4 मिनट पकने देंगे, फिर उसके बाद हम टमाटर केचप डाल देंगे। चलिए इससे पकते हुए ग्रेवी को हमारे 3-4 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम ढक्कन हटाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सब्जियां रखी थी ये इसमें हम डाल देंगे। और अच्छे से फिर सब सब्जियों को मसाला ग्रेवी में कोट कर देंगे इस तरह से। और जो हमने टमाटर केचप रखा था वो भी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 कप उतना दूध ले लिया है, थोड़ा हमने गरम दूध लिया है ग्रेवी के लिए। अब इसे हम मिक्स कर देंगे और फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। और हमें लगेगा ग्रेवी के लिए और दूध, तो हम थोड़ा उसमें और डाल देंगे। देखिए हमने थोड़ा और 1/2 कप उतना दूध ले लिया है, क्योंकि हमें थोड़े ग्रेवी में पतली नहीं लग रही थी, तो इसलिए हमने थोड़ा सा उसमें और मिक्स कर दिया है। और थोड़ी देर इसको ढाप कर हम इसे रख दें। देखिए जो हमने गरम मसाला और चिकन किंग मसाला और कसूरी मेथी और गरम मसाला जो रखा था ये डाल देंगे। ये हम आखिर में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसकी खुशबू अच्छी आती है आखिर में डालने से।
और पनीर को हम एकदम आखिर में डालते हैं। ये जो हमने पनीर रखा था ये इसमें डालते हैं। इसे धीमी आंच पे जब तक ये तेल अच्छे से सब्जियों से सेपरेट ना हो जाए तब तक इसे हम धीमी आंच पे पकने देंगे 4 से 5 मिनट। और इस पर हम एक स्मोकी खुशबू वाला बटर का तड़का डालेंगे। जैसा हम रेस्टोरेंट में खाते हैं उसमें एक स्मोकी खुशबू होती है जिसकी वजह से सब्जियां टेस्टी लगते हैं, तो वो हम एकदम आखिर में डालेंगे। चलिए इसे ढककर 4-5 मिनट पकने देंगे। देखिए स्मोकी खुशबू देने के लिए हमने छोटा सा पैन ले लिया है, उसमें हम ये 1 टेबल स्पून इतना ये बटर डाल देंगे। इसको ये सब्जी पर डाल देंगे। तो लीजिए ये हमारी मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी तैयार है, बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह इंशाल्लाह अगले रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।